हुआ 56 बाजार अब तक हमने पूर्ण रौनक हासिल नहीं कर पाया है। दरअसल अनलॉक के बाद शहर में हर तबके की परिस्थितियां सामान्य होने लगी थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमितों की संख्या में तीव्रता से वृद्धि हुई, जिसके कारण एक बार फिर से क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक हुई। बैठक में 56 दुकानों पर ग्राहकों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसके बाद अब 56 दुकान के व्यापारी सिर्फ ऑनलाइन डिलीवरी कर पा रहे हैं। आपको बता दें कि अनलॉक में प्रशासन द्वारा 56 दुकान पर ग्राहकों की आवाजाही शुरू कर टेक अवे की सुविधा शुरू की गई थी, जिसके बाद व्यापारियों को अपना व्यापार सुचारू रूप से चलाने की उम्मीद थी। लेकिन अब शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमित मरीजों के कारण प्रशासन द्वारा फिर से टेक अवे की सुविधा को प्रतिबंधित कर दिया गया है। आम जनता की 56 दुकान पर आवाजाही पूर्ण रूप से बंद है। इसको लेकर व्यापारियों का कहना है कि सिर्फ ऑनलाइन व्यापार करने से दुकानों का संचालन मुश्किल हो रहा है। वहीं रोजाना इस बाजार में बनने वाली खाद्य सामग्री को भी कम ग्राहकी के चलते बड़ी मात्रा में नष्ट करना पड़ रहा है। वहीं व्यापारियों का कहना है कि प्रशासन को सशर्त अनुमति के बजाय एक बार फिर से शहर की स्थिति को सुधारने के लिए लॉकडाउन अपनाना चाहिए, ताकि शहर पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सके। ऑनलाइन बिजनेस तो साहब ऑर्डर इतने होते थोड़ी हैं, मतलब मुश्किल से 10-20-25 ऑर्डर होते हैं, तो उससे कोई पूर्ति होती नहीं है। लेकिन हम भी इस पक्ष में हैं साहब कि फिर से लॉकडाउन लगा देना चाहिए। बिजनेस तो समझ लो बंद करना ही ठीक रहेगा, क्योंकि उससे ज़्यादा नुकसान हो जाता है साहब खाने का। अगर वो खाना हमारे फेंकने के काम में नहीं आएगा और खाने के काम में आएगा, तो उसका कोई ना कोई को उपयोग कर लेंगे कोई भी। हम जैसे बचा हुआ खाना अगर किसी को देते हैं और कोई बीमार हो जाए, तो हमारे गले पड़ जाएगा वो, इसलिए हमको वो नष्ट करना पड़ता साहब।